ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में एक धमाकेदार सेशन में तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एक बार क्लियर करके बता दो आवाज आ रही है मेरी हाँ for... वॉइस तो आ रही है मेरे को भी वापस आ गई तो आज है पेपर नंबर सिक्स कल का पेपर बहुत जबरदस्त रहा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिले और एडमिट कार्ड भी आ चुका है तो अब तो कोई लापरवाही हो ही नहीं सकती आपकी तरफ से तो लेवल को और थोड़ा एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है और कोशिश की गई है कि आपको हो बहु लेवल दिया जाए साथ ही साथ कुछ इनोवेशन भी किए गए हैं फॉर एन एग्जाम्पल आज मैंने इनपुट का क्वेश्चन भी रखा है रखा केवल तीन मार्क्स के लिए है कि आएगा तो पांच मार्क्स का आएगा लेकिन मैंने तीन मार्क्स का दिया है कि यार क्योंकि पांच नंबर ना फिर मेरे को पैंतीस में से पांच तो वही चले जाते तो पेपर में क्या क्या है खास एक बार नजर डाल लेते हैं पूरे पेपर पर लेट्स सवाल सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल का जिसमें बारह मेंबर होंगे ठीक है वो मैनेज करने होंगे आपको ट्रायंगल दिया है मैंने बहुत दिन हो गए थे ना ट्रायंगल नहीं दिया और एसबीए ट्रायंगल दे देता है वो 6 वाला देता है इस बार हो सकता है नौ वाला दे या बारह वाला दे मैंने बारह वाला ही दे दिया इसके अलावा बारह मेंबर के अलावा मैंने ईयर वाला क्वेश्चन दिया है जो मैं आजकल दे ही रहा हूं क्योंकि तो एग्जाम में आ रहा है तो 12 मेंबर ईयर बेस्ड फ्लोर के साथ वेरिएबल मैंने दिया है और एक क्वेश्चन दिया है आंसर तो आज के पेपर की चारों पजल ये रही ट्राइंगल में ट्वेल्व मेंबर ईयर बेस्ड फ्लोर के साथ वेरिएबल और आंसर इसके अलावा पेपर में क्या क्या है इसके अलावा न्यू पैटर्न कोडिंग मैथामेटिकल इनपुट डेटा सफिशियंसी ये तीन मार्क्स ये तीन मार्क्स ये दो मार्क्स सिलॉग्स इन इक्वालिटी और एक बेसिक क्वेश्चन छह चार दस दो बारह एक तेरह और दो डायरेक्शन तो आज का पेपर ये है कि कुछ भी चीज छूटनी चाहिए मैंने पूरी कोशिश करी आपके सामने एक बेहतरीन पेपर लाने की तो पहले मुझे बताओ पेपर कैसा लग रहा है पहले बताओ पेपर कैसा लग रहा है ये देखो हर दिन पेपर तो लिमिटेड करा सकता हूं तो मैंने पोस्ट नहीं कराई आज ट्राइंगल करा दिया पोस्ट की जगह ठीक है तो ये है आज का पेपर इसके अलावा इसके अलावा मुझे ये बताओ कल वाला जो बॉक्स वाला पजल था होमवर्क वाला बॉक्स वो कैसा था क्योंकि तो आज उसको भी हम सॉल्व करेंगे चलिए फिर पेपर स्टार्ट करते हैं बीस मिनट के टाइमर से बीस मिनट के टाइमर से पेपर स्टार्ट करते हैं कल का पेपर कैसे लगा था ये बताओ स्टार्ट करें तो मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा मोटिवेशन है पुराना ही है किस्मत मौका देती है लेकिन आपकी खुद की जो मेहनत होती है वो चौका देती है है ना किस्मत मौका तो देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है कि यार ये इतनी मेहनत से आगे बढ़ गया चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं पेपर को तो ऑल दी वेरी बेस्ट रेडी हैं आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरा आग तूफान मचा दीजिए जरा ये सर वी ऑल आर रेडी 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 कर दो फटाफट 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 फिर उड़ाते हैं चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा समय शुरू करते हैं आपका अच्छा अन अकेडमी लर्निंग पे मेरे को फॉलो कर लेना पुनीत कुमार शर्मा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना मेरे को फॉलो कर लेना चार फ्री क्लास में अभी तक ले चुका हूं पांचवी शायद आज होगी चार बज के पंद्रह मिनट पर अगर आज होगी तो पजल की होगी ठीक है तो रेडी रहें चलिए पहला क्वेश्चन दस सेकेंड का समय है क्या करने वाले हैं जरा बताएं पहला क्वेश्चन दस सेकेंड का समय है चलिए तो एक फ्लोर आया है नाइन फ्लोर नाइन फ्लोर साथ में वेरिएबल लेट्स क्रैक इट तो हम आगे गए हमने स्किप किया चलो भैया 20 सेकंड का समय है उड़ाइए पच्चीस सेकंड का समय सॉरी उड़ाइए ट्वेंटी फाइव चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप उड़ाइए आंसर बताइए और आंसर आने शुरू हो गए हैं अच्छा चार बजे इनपुट की क्लास ले लूं। दोनों दोनों वेरी गुड अब तो समझ गए तुम तो लोग होशियार हो गए हो सीधा कॉन्क्लूजन पर जाएं। कैन नेवर भी क्या होता है डेफिनेट में नेगेटिव ये होता है बेटा डेफिनेट में नेगेटिव कह रहे कुछ एस कभी वी के घर नहीं जाएंगे देखो आर बी कुछ एस बी है ऑल बी आर एस तो बी और यही बी कहा नहीं जाएंगे वी के घर तो बी वी बिल्कुल सही है सम वी कैन बी एच वी और एच के बारे में पॉसिबिलिटी कह रहा है वी तो ये रहा एच वो रहा वी बी के घर नहीं जाएगा सारा बी एस के अंदर है एस से एच लेकिन वी से एच का कोई दिन दिन नहीं है दूर दूर तक पॉसिबिलिटी राइट right। पहला भी करेक्ट दूसरा भी करेक्ट पहला और दूसरा दोनों सही है होशियार बच्चे हो गए अब तुम्हें चलो बहुत बढ़िया शाबाश। सेकंड क्वेश्चन उड़ा डालना है ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा पच्चीस सेकंड का समय शुरू होता है अब विदाउट डायग्राम करना है टाइम अप बताओ फास्ट <coughs> सुभाषनी बोध खुशी जोगिंदर बोध बोध बोत, बोत, बोत रॉकी बोथ चलिए बोथ आ रहा है सम पी आर एम इज ए पॉसिबिलिटी पी से एम को देखो ओ पी के घर नहीं जाएगा सारा ओ एन है एन एम के घर नहीं जाएगा लेकिन पी ने एम के बारे में कुछ नहीं कहा पॉसिबिलिटी आई राइट हो गया पी से एन देखो पी ओ के घर नहीं जाएगा सारा ओ एन के अंदर है लेकिन एन तो बड़े सर्किल में है तो पी चाहे तो एन के घर जा सकता है बिल्कुल जा सकता है राइट नहीं पता तो डायग्राम से कर लेना कोई ओ पी नहीं है ऑल ओ ओनली ओनली ओ मतलब ऑल ओ आर एन तो ये इसके घर तो जा सकता है हां जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है नेक्स्ट अनसर्टीन क्या करने वाले हो अनसरटीन वेरी गुड प्रियंका आपने बहुत बोला था तो दस सेकंड में स्किप किया अनसर्टीन आया है ये लो बीस सेकंड का समय उड़ाओ बीस सेकंड फास्ट 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 हाँ स्लॉग्स सिर्फ दो दिए देखो मैं बताता हूं क्यों एस बी आई है हो सकता है चार चार स्लॉग्स भी दे दे चार स्लॉग्स चार इन इक्वालिटी हो सकता है तीन इनइी तीन स्लॉग्स, हो सकता है दो और तीन का कॉम्बिनेशन दे दे तो इसलिए मैंने आपको केवल दो सलॉग्स दिए हैं दो इन इक्वालिटी दी है आज के पेपर में ठीक है चलो देखिए कह रहे बी बड़ा हो सकता है हम बी के पास गए हाँ बड़ा हो सकता है वी छोटा हो सकता है वी छोटा नहीं होगा मना कर दिया वी ने हटाओ एस बड़ा हो सकता है कभी नहीं होगा हटाओ नमस्ते करो ये बीस सेकेंड नहीं ये तो पांच सेकेंड का है और दो तीन सेकेंड टिक करने में आठ सेकंड में भाग जाना यहां से फिर देख लो एक बार कह रहे बी बड़ा हो सकता है हा हो सकता है v छोटा हो सकता है v ने कह दिया नहीं मैं छोटा वोटा नहीं हूँ हटाओ s बड़ा हो सकता है s ने पहली कह दिया नहीं मैं बड़ा नहीं मैं तो छोटा या बराबर हूं हटाओ नेक्स्ट सही है भाई ऐसे ही उड़ा देना इनपुट कोडिंग वोडिंग को भी चलिए बीस सेकेंड आपके लिए टाइम अप बीस सेकेंड समाप्त आपकी वजह से ये सब डायरेक्टली हो रहा है चलो देखो हम गए ए के पास हमने कहा तुम बड़े हो सकते हो कह रहा हाँ। हम गए टी के पास हमने कहा तुम छोटे हो सकते हो कह रहा हां कॉमन टर्म ए एस सी डब्ल्यू डब्ल्यू ए ग्रेटर डब्ल्यू और डब्ल्यू ग्रेटर टी हम गए सी के पास हमने कहा तुम बड़े हो जाओगे हाँ हम गए क्यू के पास हमने कहा तुम छोटे हो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं होगा हमने कहा ठीक है नमस्ते करो और निकल लो नमस्ते करो और निकल लो ऑनली फर्स्ट फॉलो क्लियर है भाई दो इन दिया था दो स्लॉग्स दोनों निबट गए तो अब आगे चलते हैं फिर देखो क्या आ गया ये बारह मेंबर हैं ट्रायंगल में डरना मना है दस सेकंड दिए कि आप कहीं लिख लो एक ट्रायंगल आया है बारह मेंबर है अंदर देख रहे हैं नेक्स्ट ये लो डेढ़ मिनट का समय है नाइन्टी सेकंड लॉजिक ढूंढना है हर एक स्टेप का सारे स्टेप्स ढूंढने आपको आज मजा आ जाएगा लॉजिक ढूंढने के लिए बोल रहा हूं बस मैं तो चारों स्टेप के पहले ढूंढ लो फिर बाद में बात करेंगे दस सेकेंड और देखो हो सकता है बहुत सारे लोग इसको छोड़ दें क्यों हैबिट में नहीं है ठीक है काफी सारे कार्य तो इसलिए मैंने केवल लॉजिक ढूंढने के लिए बोला था तो वन बाय वन स्टेप सारे देखते चलते हैं वन बाय वन सारे स्टेप देखते हुए चलते हैं जिसने मुझसे पढ़ा है उसे पता होगा देखो सीधा स्टेप वन पे गए हम पहले यहां तो सारे कम ही हो रहे हैं हमने देखा ये क्या चल रहा है ध्यान से देखो सारे नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सारे नंबर डिक्रीजिंग में लगा रखे हैं घटते क्रम में हो सकता है आप सीधा सीधा ढूंढ रहे हो और ये दो इंटू छ बारह हो तीन इंटू पांच पंद्रह हो चार अठे बत्तीस पच्चीस चौबीस और बयालीस सही है क्या कर रखा है मल्टीप्लाई कर रखा है मल्टीप्लाई कर रखा है और उस मल्टीप्लाई को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है सही है यही किया है कितने बच्चों को ये पहला स्टेप मिल गया था वो एक बार यस कर दो जरा जिनको ये पहला स्टेप मिल गया था फिर उसके बाद सेकंड पर चलेंगे मल्टीप्लाई और डिक्रीजिंग ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर नहीं बहुत बढ़िया दीक्षा कृष्णा चलो अब मुझे आप सेकंड स्टेप बताइए पहला तो चलिए आपने कर लिया थोड़ा सेकंड वाला और ट्रिक है सुन लो ध्यान से बताना हो सकता है जब कंप्लीट में लग रहा हो तब बताना सेकंड स्टेप बताइए सेकंड वाले का लॉजिक अगर कंप्लीट में लग रहा हो तो बताना ये नहीं आधा ही आप बता दो बताओ फास्ट हाईएस स्क्वायर और स्मॉल वेरी गुड वेरी गुड शाबाश वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे बहुत बढ़िया देखो ये है आपने गलत में से भी सही कैसे निकाला देखो काफी सारे बच्चे क्या करेंगे वो कहेंगे काफी सारे बच्चे क्या बोल रहे होंगे सर स्क्वायर हो रहा है चार का स्क्वायर सोलह प्लस दो अट्ठारह सर तीन का स्क्वायर नौ प्लस दो ग्यारह दो का स्क्वायर चार प्लस पांच नौ ये तो नहीं है पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस दो सत्ताइस तो ये क्या लॉजिक हुआ बयालीस में बड़ी डिजिट चार बत्तीस में बड़ी वाली डिजिट तीन पच्चीस में बड़ी वाली डिजिट पांच हाइएस्ट डिजिट का स्क्वायर और सेकेंड वाला एड हाइएस्ट डिजिट का स्क्वायर और सेकेंड वाला एड हाइएस्ट का स्क्वायर सेकेंड वाला एड तो यहां चार का स्क्वायर प्लस टू पांच का स्क्वायर प्लस वन दो का स्क्वायर प्लस वन क्लियर है हाइएस्ट का स्क्वायर प्लस रिमेनिंग ठीक है सही है भाई यही किया था थर्ड पर आ जाओ ये अच्छा स्टेप था सेकंड वाला थर्ड पर आ जाइए यहां से यहां गए तो ये लॉजिक बताओ क्या हो रहा है थर्ड वाले का बताइए प्लीज कोशिश किया करो ढूंढने की थर्ड वाला बताओ ये अच्छा वाला, थर्ड पर क्लास चल रही सर क्लास बताओ जल्दी से थर्ड वाला एडिशन ए जे बोल रहे हैं एडिशन और रिवर्स इतिशा एडिशन और रिवर्स बंटी एड करके रिवर्स चलो देखो भाई देखो क्या चल रहा है थर्ड में इन दोनों को एड किया ट्वेंटी नाइन रिवर्स कर दिया इन दोनों को एड किया फोर्टी फाइव रिवर्स कर दिया इन दोनों को एड किया थर्टी वन रिवर्स कर दिया एड देन रिवर्स और लास्ट इसमें से ये माइनस किया ये आ गया इसमें से ये माइनस किया ये आ गया भगवान करे इनपुट ना आए है ना ऐसा आप सोच रहे होंगे पर ये एस बी आई है ये कुछ भी कर सकता है सही है तो पढ़कर चले जाएं मेरी स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री में मेरी क्लास देख लीजिए स्पेशल में पढ़ाया चार पांच घंटे बेहतरीन कभी गलत नहीं होगा जाके फ्री में ही पढ़ लो नेक्स्ट फिर से आ गया लो ईयरबेस्ड आ गया दस सेकेंड का समय चलिए नेक्स्ट डायरेक्शन हटाओ ये डेढ़ मिनट का समय इसमें है ढूंढिए भी आएगा तो तीन से पांच नंबर का आएगा न्यू पैटर्न दिया है मैंने क्योंकि चाइनीज आप कर लोगे न्यू पैटर्न देगा तो आपके मजे ही है सॉरी चाइनीज देगा तो आपके मजे ही आ जाए मैक्सिमम कितना टाइम लेना चाहिए अगर इनपुट आए तो कम से कम जितना कम से कम हो सके भाई फिर भी डेढ़ मिनट तो आपका ले ही जाएगा एक डेढ़ मिनट तो लॉजिक के लिए मैक्सिमम एक मिनट देना है आपको क्योंकि तो लॉजिक क्रैक हो करते ही सारा मामला आपके हक में आ जाएगा जिनका हो गया वो इसका आंसर बताएं कमेंट्स का चलो भैया डन बताइए लॉजिक बताइए लॉजिक स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट का अपोजिट चलो चेक करता हूं यहां भी एक्स लिखा हुआ है फिर डब्ल्यू क्यू फिर एक्स फिर एक्स फिर एक्स, फिर एक्स फिर एक्स इतनी बार तो एक्स ही लिखा हुआ है सी का एक्स सी का एक्स सी का एक्स सी का एक्स स्मॉलेस्ट का कह रहे हैं आप तो डी का डब्ल्यू और जे का क्यू जे से छोटा कोई नहीं है अच्छा स्मॉलेस्ट कॉन्स्टोनेंट का ऑपोजिट यहां पर फिर से सी का एक्स जी का टी सी का एक्स सी का एक्स एल का ओ सी का एक्स स्मॉलेस्ट का ऑपोजिट तो यहां पर भी सी का उल्टा एक्स वाला आ जाएगा या तो दिया ही नहीं है मैंने सी तो गलती हो गया होगा ये यहां तो मैंने सी का उल्टा दिया ही नहीं है कोई और लॉजिक तो नहीं है यही है तो क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं वाला चलो अब नंबर बताओ नंबर कहां से आ रहे नंबर नंबर बताओ नंबर बताओ नंबर कैसे आ रहा है कमेंट्स में कमेंट मत करो ये ऑप्शन गलत आ गए हैं मुझे नंबर बताओ नंबर कैसे आ रहे हैं ग्यारह सोलह बाईस ये कैसे आ रहे हैं फास्ट चौदह सौ बच्चे देख रहे हो जल्दी से बताओ वेरी गुड अजय बेटा बहुत अच्छे और नहीं रोन रनित गलत है आपका श्रुति ठीक है सेकेंड स्मॉलेस्ट का अपोजिट काफी सारे बता रहे हैं तो भैया आई का उल्टा सेकेंड स्मॉलेस्ट का अपोजिट नहीं है देखो ध्यान से क्या चल रहा है फ्री में नंबर नहीं मिलेंगे ग्यारह लाना है सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट एन माइनस वॉवेल फोर्टीन में से थ्री गए ग्यारह सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट आर माइनस टू सोलह सबसे बड़ा कॉन्सेंट वाई पच्चीस माइनस थ्री बाईस यहां पर क्या है एम माइनस थ्री टेन टी माइनस टू अठारह टी माइनस एक दो तीन चार नहीं टी नहीं ये वाला भी गड़बड़ है एक दो तीन चार पांच पांच होने चाहिए थे ये वाला भी थोड़ा मिस्टेक है चलो एस माइनस थ्री सोलह वाई माइनस थ्री बाईस पच्चीस माइनस तीन उन्नीस माइनस थ्री सोलह यहाँ इक्कीस माइनस पांच कर दी क्योंकि तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता ठीक है तो भैया यहां पर क्या चल रहा है हाईएस्ट कॉन्सोनेंट माइनस वॉवल नेक्स्ट ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एक नंबर में शायद ऐसा पूछ ले और आपको परेशान कर ले पचास सेकंड का समय करिए ऐसी बात नहीं है काफ़ी लोगों ने ढूंढ लिया था बताओ आंसर बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला फास्ट फिर चलेंगे पजल पजल पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक है भैया सेशन बढ़िया लग रहा हो तो लाइक कर देना इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा और दिक्कत आ जाएंगी इस वर्ड में लेटर विच प्लेस बस मुझे इतना बता दो ऑड नंबर प्लेस पहला है या दूसरा है एन को ऑड नंबर मानेंगे या यू को किसको ऑड नंबर प्लेस पे मानेंगे बता दीजिए जरा पहले इन दोनों में से बता दो बाकी तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाह रहे हो पहले बस मुझे आप इतना बता दो इन दोनों में से ऑर्ड नंबर किसे मानेंगे एन को या यू को बस इतना बता दो हाँ वेरी गुड नंबर प्लेस की बात हो रही है तो जितने भी ऑर्ड नंबर प्लेस पर आ रहे हैं उनको क्या करना है नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर देना है ठीक है अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर में में फिर सारे के सारे के लेटर को alphabetical order में लगाना है तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना ही है तो यह नोटंकी क्यों करें पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लगा लेंगे फिर कह रहे राइट right से थर्ड बताओ तो राइट right से थर्ड बताने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है देखो सबसे बड़ा ये है सेकंड बड़ा ये है थर्ड बड़ा ये है जो भी हो रहा होगा इन्हीं तीनों में होगा इन तीनों में से कोई आएगा ना राइट से थर्ड ये तो फर्स्ट ही आएगा एक तीन पांच सात ये सेकंड आ जाएगा और ये आर का आर ही रहेगा क्योंकि ये इवन ऑर्ड पर नहीं है इवन प्लेस पर है तो आर का आर ही रहेगा राइट साइड से थर्ड आर का आर लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त थी बहुत सॉलिड थी हाँ, चेंज करने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तो आपको पहला तीसरा पांचवा सातवां इसमें प्लस 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 करना है राइट से थर्ड बताओ तो राइट से फर्स्ट यही रहेगा ये रहेगा रहे और थर्ड ये रहेगा ये इवन पर है दो चार छ तो ये आर का आर ही रहेगा सिर्फ यही आ जाएगा आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं फटाफट जरा एक बार सेशन को ताबड़तोड़ लाइक ठोक दीजिए जल्दी 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 फिर आगे बढ़े चलो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है चलिए डीएस दो क्वेश्चन है पहला और दूसरा अपने स्वाद अनुसार कर लें जब आपका मन करे पहला क्वेश्चन चलते हैं बताओ कौन सा करना चाहते हो ईयर ट्राइंगल फ्लोर वेरिएबल और कल वाला बॉक्स वाला तो मैं भी करूंगा जो बहुत सॉलिड था होमवर्क वाला तो सबसे पहले ट्राइंगल पर चले चलो पहले ट्राइंगल पर ही चलते हैं है ना ट्राइंग बताओ किस पे चले जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में ऐसे ही घुमा के पूछेगा और क्या फ्री में नंबर थोड़ी ना देगा अनसरटेन या ईयर चलो तो भैया आ जाओ पहले यही आगे यही कर लो ईयर वाला ही आगे चलो कर लो ईयर वाला ही आगे यही कर लो और आज मैंने आपके फ़ॉन्ट का भी ध्यान दिया है फॉन्ट भी बढ़िया से दिखाई देगा आपको करो सॉल्व जिनका हो गया वो बताएं 2007 में किस कौन है दो हजार सात में कौन आ रहा है दो हजार सात में कौन है एन एन तो शायद है भी नहीं तुम्हारा एन कहां से आ गया चलिए आइए देखते हैं देखिए आपको बोला गया हर साल एक लकी विनर को ट्रिप पर सिंगापुर भेजा जा जाता है 2005 से 2011 पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह चलिए, दो मेंबर गए हैं एम और जी के बीच में एम दो मेंबर जी कौन पहले कौन बाद में नहीं पता दो गए हैं डी और ए के बीच में दो ईयर का गैप हो या दो मेंबर गए हो बात एक ही है डी और ए के बीच में भी दो गए हैं ये भी पहले बाद में हो सकता है डी बिफोर पहले गया है एम से मतलब डी जीत गया एम से 2008 से पहले तो देखो 2008 से पहले इतना टाइम क्यों खराब करें 2008 से पहले तीन ही है तुरंत बना लो डी दो ए दो ए दो ओ जस्ट आफ्टर ए ओ जस्ट आफ्टर ए वाई बिफोर जी बट नॉट इमीजिएट वाई जी से पहले तो है लेकिन जस्ट पहले नहीं है ठीक है कह रहे एम बिफोर 2010 तो यहां आ जाओ कलर चेंज कर रहा हूं 2010 से पहले एम है तो यहां एम लिखोगे तो दो के बाद क्या जाएगा? आ जाएगा जी आ जाएगा जी से पहले वाई आ जाएगा तो बन भी गया के, रे के फर्स्ट और लास्ट नहीं है तो हटाओ ये डायग्राम कैंसिल क्योंकि के लास्ट में आया है यहां आ जाओ दो हज़ार दस से पहले एम एम दो का गैप जी जी से पहले वाई नहीं आएगा एम दो का गैप जी जी से पहले वाई वाई ऐसे लगाओ कि के फर्स्ट और लास्ट ना आए बन गया ये रहा क्यों गलत ये भी चेक कर लेते हैं एम दो का गैप जी जी से पहले वाई तुरंत पहले नहीं आना चाहिए हटाओ यही वाला ठीक है आपका जी ओ एम के डी वाई यही बनाए तो बहुत बढ़िया नहीं तो और भी बढ़िया ट्राइंगल पर चलते हैं ट्राइंगल पर मूव करते हैं ये लीजिए ट्राइंगल ये लो मजा आ जाएगा ट्राइंगल जो आपको थोड़ा सा हैरान परेशान शायद कर दे सॉल्व कीजिए पागल का जो थी टेंशन मतलब कुछ नहीं आ रहा है इस एग्जाम में ये आपको पागल बनाने का तरीका है पच्चीस परसेंट अठारह परसेंट कुछ नहीं आ रहा है। चलो डन, डन 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 काफी सारे लिखने लग गए मैं भी आपको सॉल्व कर देता हूं इसको आइए देखते हैं हमसे कह रहे है, ट्राइंगल में बारह मेंबर हैं सब अंदर देख रहे हैं हर एक एज पर तीन बैठे हैं और कॉर्नर पे एक एक बैठा है एफ वन ऑफ दी कॉर्नर बात ही खत्म कर दी F कॉर्नर पे बैठा दिया चलो ठीक है G थर्ड राइट ऑफ F आराम से आ गया वन मेंबर बिटवीन ई और जी ई और जी एफ यहीं बनाया जी यहीं बनाया ई e यहां बना लिया एक गैप के बाद कलर चेंज कर लेता हूं आई वॉज फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई का एक दो तीन चार आई आ गया एक दो तीन चार ई e का एक दो तीन चार आई आ गया आई फोर्थ लेफ्ट ऑफ ई जे वॉज थर्ड लेफ्ट ऑफ आई आई का थर्ड लेफ्ट जे का एक दो तीन थर्ड लेफ्ट जे आई इमीजिएट राइट ऑफ एच सॉरी वॉज कॉर्नर एंड सेकेंड राइट ऑफ बी डी सेकेंड राइट ऑफ बी है और डी कॉर्नर पे है यहां जाओ। D corner पे सेकंड ऑफ बी डी कॉर्नर सेकंड ऑफ बी नहीं आएगा ये वाला सही है डी कॉर्नर सेकंड राइट ऑफ बी यहां देखो डी कॉर्नर सेकंड राइट ऑफ बी डी कॉर्नर सेकंड राइट ऑफ बी दो जगह आ जाएगी छोड़ दिया मैंने इसको अभी अंदर वाले में भी छोड़ दिया कलर चेंज कर लेता हूं सी इमीजिएट राइट ऑफ ए और दोनों कॉर्नर पर नहीं है अंदर वाले में सी जस्ट राइट ऑफ ए ऐसे ही आएगा कॉर्नर पे दोनों नहीं है सी जस्ट राइट ऑफ ए दोनों कॉर्नर पे नहीं है ये आ गया अब अंदर वाले में ये बना सकते हैं डी कॉर्नर पे और बी के सेकंड राइट right में डी कॉर्नर बी के सेकंड राइट right नहीं डी कॉर्नर बी के सेकंड राइट आ गया आराम से बन गया के थर्ड राइट ऑफ एल के थर्ड राइट ऑफ एल बन गया यहां ये दोनों चेयर बच रही हैं बस के थर्ड राइट ऑफ एल नहीं आ पाएगा बाहर वाला कैंसिल अंदर वाला करेक्ट खत्म हो गया देखो ये ये पॉसिबिलिटी आपने ली और कोई डायग्राम भी इन्वॉल्व नहीं किया डायरेक्टली उसी में खत्म कर दिया एक डायग्राम आपका बाहर चल रहा था एक अंदर बाहर वाला कैंसिल अंदर वाला सही हो गया अंदर वाला कैंसिल होता तो, तो बाहर वाला सही हो जाता मुझे बताओ ये किस किस का बना है सेम आगे बढ़े एफ के डी एफ एल डी कॉर्नर पर है बेटा के थर्ड राइट ऑफ एल है ना के थर्ड राइट ऑफ एल तो एफ के डी नहीं एल एफ डी कॉर्नर पे है के नहीं है के तो मिड में है आगे बढ़ते हैं आंसर टेन पर आ जाओ ये लो आंसर टेन करो और बताओ कितनी देर में सॉल्व हो रहा है टाइम लगा पर बन गया थोड़ा सा रॉंग कर लिया सर मैंने थोड़ा रोंग कुछ नहीं होता रॉन्ग ही होता वो चलिए भैया क्या आंसर आ रहा है देखते हैं आप क्या आंसर कर रहे हैं एक बार देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है जरा एक बार बता दो टोटल कितने मेंबर आ रहे हैं तेरह ग्यारह तेरह ज्यादा आ रहे हैं टोटल तेरह चलिए चेक कर लेते हैं नॉर्थ देख रहे हैं तीन मेंबर बिटवीन सी और ई सी थर्ड राइट ऑफ बी डी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई डी फिफ्थ फ्रॉम दी लेफ्ट एंड ऑफ दी रो डी फिफ्थ है डी एक दो तीन चार पांच ये भी सही है फिफ्टी है एच एंड नहीं है आर थर्ड लेफ्ट ऑफ डी आर थर्ड लेफ्ट ऑफ डी तीन मेंबर बिटवीन डब्ल्यू एंड जी जी नेबर है आर का डब्ल्यू एंड जी जी नेबर है आर का एक दो तीन डब्ल्यू जी नेबर है ए आर का एक दो तीन डब्ल्यू नहीं आएगा तो जी है आर का एक दो तीन डब्ल्यू आ जाएगा छ में right पता नहीं कहां बनाऊ इधर वाले में तो बन जाएगा क्योंकि मेंबर थे राइट right में एम जस्ट लेफ्ट ऑफ एफ इधर वाले में बहुत जगह आ जाएगा छोड़ो अभी तीन मेंबर बिटवीन एम और एच एम एक दो तीन एच आ गया अब देखो यहां एम बनाता हूं तो एम बनाता हूं तो एक दो तीन एच आ जाएगा एच कॉर्नर पे नहीं है एम एक दो तीन एच नहीं तो एम जस्ट लेफ्ट ऑफ एफ एक दो तीन एच यहां आएगा एफ डज नॉट लेफ्ट ऑफ सी एफ राइट ऑफ सी यहां सही है यहां एफ लेफ्ट ऑफ सी है ये गलत है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, टोटल आएगा तेरह। सही है भाई टोटल आएगा तेरह। अब कल वाला जो सॉलिड सा क्वेश्चन था जो कल वाला था उसको सॉल्व कर लेते हैं। बारह होगा नहीं बारह नहीं होगा बेटा तेरह ही होगा कल वाला था उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार बॉक्स वाले को और आज का होमवर्क जो दूंगा वो दूंगा ये वाला आज का होमवर्क आपका ये वाला फ्लोर के साथ वेरिएबल वाला होमवर्क है आज मैं कल वाला सॉल्व कर देता हूं ये लीजिए ये था कल वाला क्वेश्चन एक वेयर हाउस में आठ बॉक्स हैं उनपे चिट नंबर लिखा है एक से आठ तक अलग अलग लोग हैं बॉक्स रिटर्न है बॉक्स रखे गए हैं वन टू एट टॉप टू बॉटम ठीक है सही है ये बॉक्स नंबर है ऑलरेडी लिख दिए गए बॉक्स तो ऐसे ही रख दिए बॉक्स तो कैसे भी रख दो इन्होंने कह दिया जो मैंने रखे हैं ना देखो रखोगे तो बॉक्स ऐसे ही एक के ऊपर एक ही रखे जाएंगे बॉक्स तो भाई बॉक्स तो ऐसे ही रखोगे ना जहां पे भी रखोगे पर ये कह रहा है कि एक काम करना मैंने इसको नंबर ऐसे दे दिए बॉक्स नंबर इसने ऐसे दे दिए चिट के नंबर नहीं है बॉक्स के नंबर है चिट के नंबर नहीं है नेक्स्ट आगे बढ़ते एल प्लेस नियर द बॉक्स विच इज एट वन टॉप और बॉटम एल या तो टॉप के पड़ोस में होगा या बॉटम के ये बॉक्स है बॉक्स एल या तो यहां होगा या एल बॉटम के पड़ोस में होगा क्यू और एम ऑड पोजीशन पर रखे गए हैं क्यू और एम ऑड पर रखे गए हैं क्यू का लकी नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो हो गया एल का लकी नंबर सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो एल का लकी नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दो तीन पांच हो गया एल तो था ही हमारे पास चलो ठीक है क्यू और एन एक्सट्रीम एंड पर रखे गए हैं तो क्यू तो ऑड नंबर था तो एक्सट्रीम एंड यह हो गया एक्सट्रीम एंड हो गया और दूसरा क्या एन एन N एक्सट्रीम एंड पर है तो एन भी एक्सट्रीम एंड हो गया ओ और एम एग्जैक्टली मिडिल देखो ये थोड़ा फसाने के लिए था ओ और एम एग्जैक्टली मिडिल देखो आठ में एग्जैक्टली exactly मिडिल ये वाला और ये वाला ही आएगा इधर से चौथा उधर से चौथा अब एम ऑड नंबर पे था तो एम यहां बैठाओगे एम यहां बैठाओगे और क्या नाम था दूसरा ओ और एम तो ओ को आपको यहां बैठाना पड़ेगा और एम एकदम मिडिल में चार लकी नंबर है एम का चार लकी नंबर है एम का ओ का भी पता नहीं है क्यू का हो गया एल का हो गया ठीक है चिट नंबर वन वाला सेकंड ब्लो है ओ से ओ से सेकंड ब्लो चिट नंबर वन ओ से सेकंड ब्लो चिट नंबर वन चिट नंबर छ पड़ोसी है पांच का छ पड़ोसी है पांच का पांच का पड़ोसी है छे ठीक है जे अब पी हमें नहीं पता जे अब पी है बस सेवन वाला चिट नंबर वाला लार्जेस्ट इवन नंबर है भैया सेवन वाला लार्जेस्ट इवन नंबर तो है ही नहीं लार्जेस्ट इवन नंबर तो आठ है सेवन इज नॉट लकी नंबर ऑफ एन सेवन यहां नहीं आएगा तो सेवन यहां आ जाएगा तो यहां पर क्या आ गया वन टू थ्री रह गया तो थ्री आ गया आगे कह रहा है वन इज नॉट लकी नंबर ऑफ जे जे का लकी नंबर वन नहीं है और जे ऊपर है पी तो जे यहां आ जाएगा भाई जे का लकी नंबर वन नहीं है ना तो जे ऊपर चला गया कह रहा है लास्ट पी लकी नंबर इज स्क्वायर एज वेल एज क्यूब तो पी का लकी नंबर स्क्वायर भी है और क्यूब भी है तो यही आएगा बचा हुआ है कि यह आ जाएगा क्वेश्चन खत्म हो गया नमस्ते करो और निकल लो ये डायग्राम बनेगा किस किस का बना बहुत बढ़िया नहीं बना तो गड़बड़ ठीक है भाई सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा बहुत मेहनत से आपको बहुत सॉलिड कंटेंट दिया जा रहा है कोशिश की जा रही है कि आप यहां से जब एग्जाम में जाएं तो बढ़िया परफॉर्म करें और मेहनत से परफॉर्म करें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं कल बाय बाय टेक केयर ऑल वेरी बेस्ट बाय हाँ चार तारीख से दो दो नए बैच शुरू हो रहे हैं हमारे एक प्री लेवल का एक मेंस लेवल का आप दोनों ही बैच में इनरोल कर सकते हैं एक ही बारी में फीस भी बढ़ने वाली है तो ध्यान रखिएगा तो एवीपी टेन कोड लाकर आप परचेज कर सकते हैं भाई भाई ठीक है फिलहाल के इतना ही बाय बाय केयर